Welcome back, children. So today we are going to do the session on light. This is the second session on light, and here we are going to discuss convex and concave mirrors and their reflections through them. ठीक है? More or less अभी को पता होगा convex concave, but still for your benefit of some children who don't know, who have not seen, I have brought some convex and concave mirrors. So let us go ahead and see how the convex mirror looks like. So, पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ कॉनकेव मिरर. देखो पीछे रफ सरफेस है, सामने जो है स्मूथ सरफेस. मिरर में जो बैक सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं रफ सरफेस. और ये रफ सरफेस है और ये जो है स्मूथ सरफेस है. ठीक है, तो स्मूथ सरफेस. नाउ वी विल सी दिस. सी माई कैमरा, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना. सो कॉनकेव मिरर में वी सी थिंग्स बिगर. ये कॉनकेव मिरर इज एक्चुअली टर्न्ड इनसाइड, अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सा दबा होता है. राइट, कॉनकेव मिरर इज लिटिल प्रेस्ड इनसाइड. समझ में आ रहा है? नाउ कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर उसका उल्टा. अगर कॉनकेव मिरर को पीछे से देखो तो कॉन्वेक्स सरफेस है, लेकिन मिरर नहीं है ना यहाँ पे, तो पीछे वाला पोर्शन लगा हुआ है. राइट, सो यहाँ पे तो पीछे वाला पोर्शन है. सो इसको हम करेंगे अभी दूसरा पीस, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर एज आई टोल्ड यू, ये बाहर की तरफ थोड़ा सा सूजा होता है. सो अगर मैं अपने हाथ से बताऊं, आई विल शो यू अगेन. कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव सरफेस. हाँ, कॉन्केव अंदर की तरफ, केव कॉन्केव. और कॉन्केव के पीछे वाला सरफेस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स. देखो ये बाहर की तरफ सूजा हुआ है ना, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉन्केव. याद रखना, कॉन्केव कॉन्वेक्स. एक सांप बना लेना, ठीक है, और सांप का जो सामने वाला फेस है वो कॉन्केव है और पीछे वाला फेस जो है वो कॉन्वेक्स है. ठीक है, सो नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी द डिफरेंस, लाइव डिफरेंस बिटवीन द टू मिरर्स. तो दोनों में से रिफ्लेक्शन अलग दिखेगी. मैं दोनों में आपको अपना कैमरे का रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा. देखो, यस, हियर 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 ए आजा. सी, वी आर सीइंग लेफ्ट, ये वाला इसमें यू आर सीइंग रिफ्लेक्शन ऑफ माय, ये क्या दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर में. अब देखो कैमरे का रिफ्लेक्शन, देखो ध्यान से, एक में छोटा दिख रहा है, एक में बड़ा दिख रहा है. सी, सेम कैमरा, वन इज बिग वन इज स्मॉल. सो कॉन्वेक्स जो है ये वाला, हाँ, वो उसमें छोटी दिखती है चीज़ें, और कॉन्केव में चीज़ें बड़ी दिखती हैं. नाउ यू नो डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. और भी बताऊंगा वेयर एग्जैक्टली लाइव एग्जाम लाइव आई वांटेड टू शो यू डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. सो इससे हम जो डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे और रे डायग्राम है वो भी हम सीखेंगे इन दिस सेशन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट दिस. लेट अस गो टू द क्लासरूम. ओके, सो वॉट वी सी हियर, वी सी थ्री मिरर्स. तीन मिरर हमें दिख रहे हैं. ठीक है, एक जो मिरर है ये है लेफ्ट साइड, ये आप टर्न्स पे किसी भी मोड पे देखो लगे होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? बिकॉज वी कैन सी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, मैंने हमें बहुत दूर दूर का चीज़ें दिखती हैं, और कोई गाड़ी अगर आ रही है तो हम वहाँ से देख सकते हैं. प्लेन मिरर को उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा रिफ्लेक्शन. कर्व्ड मिरर में दूर से हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, अगर कोई गाड़ी आ रही है तो हमें राइट साइड से, अभी बिल्डिंग है उधर से हमको उस तरफ तो दिखेगा नहीं मोड़ के, तो उस तरफ अगर मिरर रख दोगे तो आपको दिख जाएगा ना मिरर में उस तरफ क्या है. कार के जो साइड मिरर होते हैं साइड में, रियर व्यू मिरर, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. एंड दो मिरर जो सामने डैशबोर्ड के सामने लगा होता है, दैट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर. वाई डू वी हैव कॉन्वेक्स मिरर इन कार्स? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, दैट्स द आंसर. सिंपल सा आंसर क्वेश्चन आता है, रिमेंबर. वाई डू वी हैव कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर? बिकॉज वी वॉन्टेड टू हैव लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, सी मोर थिंग्स इन अ स्मॉल स्पेस. ठीक है, समझ गए ना. सो ये कर्व्ड सरफेस में कॉन्वेक्स मिरर की कहानी हुई. इसमें चीजें हमें छोटी दिखती हैं. कॉन्वेक्स मिरर को हाउ डू वी ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर? वी ड्रॉ इट लाइक दिस. सो दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर का इमेज. सो इसमें देर आर टू थिंग्स टू नो. सामने की सरफेस जो होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस. और पीछे जो होती है बैक होती है, और ये रफ होती है. रफ सरफेस. तो जो शाइनिंग सरफेस होती है ये वाली, ये शाइनिंग, और ये पीछे वाली जो है
रफ सरफेस, ठीक है, क्लियर। तो जहां से हम देखते हैं दैट इज स्मूथ सरफेस, सो व्हाट इज दिस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज स्मूथ सरफेस बाहर की तरफ है, हम यहां से देखेंगे, वी विल सी फ्रॉम हियर इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो ये आदमी जो है टोपी वाला देख रहा है अंदर मिरर के अंदर, तो इसे व्हाट ही सीइंग, वो तो उसका इमेज छोटा हो गया। सो कॉन्वेक्स मिरर में आई शोड यू, जो मैं अपने कैमरे का इमेज दिखा रहा था छोटा था, छोटा हो जाता था, सो ये वैसे बिल्कुल वैसे ही है। दिस गाई इज सीइंग हिज इमेज अ स्मॉल इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए गाड़ी में लगा होता है, बिकॉज चीज़ें छोटी दिखेंगी, सो यू विल सी मेनी थिंग्स, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा आपका, एंड दैट इज वाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर फॉर रियर व्यू मिरर्स। तो इसमें इमेजेस बिकम स्मॉलर, ठीक है, याद रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस बिकम स्मॉलर। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्वेक्स मिरर, छोटा दिखेगा उसमें, दैट्स इट। कॉनकेव मिरर, अब ये केव है, कॉनकेव अंदर की तरफ, ये वाला अपना सांप, ठीक है, कॉनकेव दिस वन, तो इसके अंदर अगर आप इमेज देखोगे इट लुक्स बिगर। आई शोड यू वीडियो के बिगनिंग में, मैं लॉजिटेक कैमरा का जो मैं इमेज दिखा रहा था, एक में छोटा दिख रहा था, एक में बड़ा दिख रहा था। सो दिस गाय इज शोइंग हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ही इज सीइंग इट बिग, बड़ा दिख रहा है उसको, ठीक है, और पीछे की चीज़ें उल्टी दिख रही हैं, बहुत दूर की चीज़ें इन्वर्टेड दिखेगी, सामने की चीज़ें यू विल सी बिगर। एंड दिस इज ऑल्सो यूज इन बाथरूम फॉर शेविंग, अब हम शेव करते हैं तो हमें बड़ा बड़ा देखना होता है, नहीं तो कहीं कटवट जाएगा। सो वी सी वी कीप दिस वैनिटी मिरर एज कॉन्केव मिरर, सो इट शोज अवर ए बिगर इमेज, राइट। लड़कियाँ लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं मेकअप करने के लिए भी, दे यूज़ ए वैनिटी मिरर, कभी कभी देखना लेडीज़ के पास एक मिरर होता है, उसमें दो मिरर खुलते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दो मिरर, एक मिरर प्लेन होता है, दूसरा कॉन्केव होता है, ध्यान से देखना अगर आपके पास है तो यू विल सी दैट उसमें एक में बड़ा बड़ा दिखाई देगा इमेज, दूसरे में नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है, कॉन्केव मिरर। तो इसमें भी वो हम आदमी को रख देते हैं अपने टोपी वाले आदमी को, देखो अब उसको बड़ा दिख रहा है उसका इमेज। सो कॉन्केव मिरर में स्मूथ सरफेस कहाँ पर है, दिस इज अवर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज बैक, ठीक है, समझ गए ना। नाउ लेट अस सी, ये मिरर्स बेसिकली हम इनको स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, बिकॉज ये एक स्फीयर से काटे हुए पीस होते हैं। अगर एक स्फीयर लोगे ऐसा, और स्फीयर बॉल एम्प्टी हॉलो बॉल, ओके, हॉलो हॉलो होना चाहिए, हॉलो एम्प्टी स्फीयर, उसको साइड से ऐसे काट दो जैसे मैंने यहाँ से काटा, सो अभी क्या हो गया, स्फीयर का एक सेंटर तो होगा ही सेंटर, ओके, तो स्फीयर का सेंटर था हमारे पास, दिस इज अवर सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये जो है रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब बेंडिंग, अगर उसका कोई सेंटर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका जो रेडियस है, क्योंकि स्फीयर का सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक रेडियस होगा, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो चीज याद रखना यहां पर, कि जब भी स्फेरिकल मिरर होगा आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इट विल हैव ए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो दिस वॉज द पर्पज ऑफ दिस स्लाइड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स बिकॉज दे आर कट आउट ऑफ ए स्फीयर, दे आर पोर्शन ऑफ ए स्फीयर। नाउ अभी दोबारा से आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, अब मिरर तो हमारे पास ये है, ठीक है, दिस इज अवर मिरर, सो मिरर का बैक साइड बनाना जरूरी है ऑलवेज, सो यू डोंट नो विच इज, अब ये मिरर है तो आपको कैसे पता चलेगा ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव, सो इफ आई हैव टू शो यू कॉनकेव देन आई विल शो यू लाइक दिस, तो पहले मैं मिरर का बैक साइड बना दूंगा, ठीक है, सो यू हैव टू ड्रॉ बैक साइड। नाउ व्हाट इज दिस मिरर फॉर अस, इट इज कॉनकेव बिकॉज शाइनिंग सरफेस इज इनसाइड, ठीक है। अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये अगर एक सेंटर यहाँ पर है स्फीयर का, ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दिस प्लेस, दिस इज सी, दिस इज सी एंड दिस इज रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में। नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का बैक साइड भी बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहां पर, ठीक है, पीछे होता है मिरर के अंदर,
सो दिस इज कन्वर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो ये चीज हमारा हो गया. नाउ लेट अस सी, लाइट अगर इसमें डालोगे तो ये होगा क्या? कुछ होगा. प्लेन मिरर में तो पैरेलल बीम आती है, पैरेलल बीम जाती है. हमारे पिछले वीडियो में वी हैव अंडरस्टूड प्लेन मिरर, पैरेलल बीम कम्स, पैरेलल बीम गोज आउट. बट इन कर्व्ड मिरर्स ऐसा नहीं होता. कर्व्ड मिरर में लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. सो इफ आई हैव टू सेंड अ पैरेलल बीम हियर, सो लेट मी सेंड सम पैरेलल बीम. और रे डायग्राम बनाने के लिए एक बात अच्छी होती है, यू कैन एक्चुअली ड्रॉ ए प्रिंसिपल एक्सिस विच इज़ ए इमेजनरी लाइन गोइंग थ्रू सेंटर, सो दैट एनी लाइन वी कैन ड्रॉ पैरेलल टू दिस, और वी कैन पुट ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन मार्क अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस ऑन ऑल दिस. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आई हैव फर्स्ट रूल, ऑलवेज मार्क द सेंटर ऑफ कर्वेचर. कहीं भी मार्क कर लो आप, जरूरी नहीं है इसका एग्जैक्टली स्फीयर का सेंटर बनाओ, कहीं भी मार्क कर लो. कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा मिरर है, ठीक है. नाउ what kind of mirror is this? Concave, because rough surface is behind, light is coming from this side. Now let us send the light rays, parallel light rays. Agar main ek light ray aise bhejunga to ye kahan pe reflect hogi? It will come to one point, aur yahan se bhejunga to ye kahan pe jayegi? Ye bhi usi jagah pe jayegi, because parallel beam aa rahi hai. These are two lines are parallel, तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगी. एक लाइट और भेज दो यहां पर, सो दिस विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड टू द सेम पॉइंट. एक लाइट और भेज दो तो ये भी वहीं पे जाएगी. सो द पॉइंट वेयर ऑल दिस बीम्स आर गेटिंग कन्वर्ज्ड, देखो आ रही है पैरेलल बीम, ओके, दे आर ऑल पैरेलल बट दे आर ऑल गेटिंग कन्वर्ज्ड इनटू वन पॉइंट, ठीक है. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. And what this concave mirror is doing, it is converging light. So we also call it converging mirror. So note this, pause video, note karo. And one more thing I will tell you, this F, very important point, don't forget, this F will be exactly between the mirror and C. Ab is point ko we have to name something. So is point ko unhone naam diya hai pole. P is for pole. This is called focus. ठीक है, और ये तो center of curvature आपको पता है, पिछले slide में मैंने बताया था, ठीक है. So we have three things: pole, focus, center. So we have three two points. So if I see it, geometry, CF should be equal to FP. Focus lies exactly in between pole and center of curvature. ये कभी मत भूलना. Exactly in between, in spherical mirror, focus will lie exactly between C and P. ठीक है, noted. Let's go ahead. अब हमको ray diagram करनी है. So first we will keep an object. ये mirror कौन सा है? पूछो सर, आपने तो back वाला बनाया ही नहीं. So मैं बना देता हूँ back वाला, जो वो था उसके पीछे जो lines हैं. तो ये मैंने बना दी, देखो. नाउ बताओ ये कॉनकेव मिरर है ना. तो रे डायग्राम बनाने के रूल्स, ठीक है. सबसे पहले मिरर बना लो, ठीक है. उसके सेंटर में से एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो. ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. सो व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस. स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया है. एंड व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? पी. तो एस मैंने आपको क्या बोला था, जब भी मिरर बनाओ सबसे पहले मार्क करो सी. कहीं भी मार्क कर लो, जरूरी नहीं है कि इसका तुम कंपास लेके देखो कि सेंटर कहां आ रहा है, कहीं भी मार्क करो सी. लेकिन एफ मार्क करने का रूल क्या है? एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड पी, ठीक है. सो ये मुझे लग रहा है समवेयर यहां पर है, ठीक है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ओके, ठीक रहे, याद रहेगा. और एफ पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पी, इट इज फोकल लेंथ. एंड सी पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सी पी, एंड फोकल लेंथ इज एफ पी. ठीक है, लिख दूं, फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज एफ पी, लेंथ ऑफ एफ पी, ठीक है. और रेडियस ऑफ कर्वेचर,
is CP, the length of CP, distance between C to P. ठीक है, clear, समझ गए? तो चलो एक ऑब्जेक्ट रखते हैं एंड वी विल सी पहला रूल्स, बाद में दोबारा से पूरे सारे डायग्राम बनाएंगे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम. तो फर्स्ट मिरर, सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड मार्क सी. आफ्टर मार्किंग सी, सी वेयर इज द मिड पॉइंट, देयर यू मार्क एफ. ठीक है, हो गया. अब हमारा स्टेज सेट है. नाउ वी विल कीप एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को पहले हम बियॉन्ड सी रख देते हैं, कुछ दूर पे रख देते हैं यहां पर. So let me keep my object somewhere here. Object तो candle वैंडल भी रख सकते हैं, या फिर हम एक arrow भी बना सकते हैं. So usually in books they will show you arrow mark like this. So this is our object. इसी कोई height है, कुछ height है. So we don't have to worry about the height and all those stuff now, because we will come back to numericals and see वो height का मामला क्या है. ठीक है, now अब क्या करेंगे, object खड़ा हो गया, image बनाना है. So, यहां से एक पैरेलल लाइट रे भेजो मिरर की तरफ. रूल, पैरेलल भेजना है टू प्रिंसिपल एक्सिस. दिस लाइन हैज टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब क्या करना, इसको फोकस से रिफ्लेक्ट, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कहां से जाएगी, ये फोकस से चली जाएगी. दिस लाइट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड हैज टू गो थ्रू फोकस. याद रखना, एनी लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल हैव टू गो थ्रू फोकस, and any light coming through focus will go principal parallel to the principal axis, vice versa. So ek image, ek line ho gaya. To stage one kya tha, mirror, second principal axis, third marking center of curvature, then marking focus, fir object banaya. Object ke baad we have sent the light which goes through the focus. Sending light parallel to the principal axis, send it through the focus. Theek hai, bar bar dekho, pause karke dekho ye video. Theek hai, next दूसरी लाइट, एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू सेंड थ्रू फोकस. अब मैंने क्या बोला था, व्हेन लाइट कम्स थ्रू फोकस इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जब पैरेलल भेजते थे तो फोकस से जाती थी, अब फोकस से भेज रहे हैं तो पैरेलल जाएगी. सो वी विल सेंड इट बैक, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ वेयर डू दिस लाइट मीट, आर दे मीटिंग हियर, इजंट इट दे आर मीटिंग हियर एट सम पॉइंट. So there we will actually keep the image. Ho gaya. So these are the rules. So what did you learn just now? First mirror, then principal axis, then center of curvature, then between them focus, then keep the object, send the light parallel to principal axis, send it through focus. Second light, send it through focus, bring it parallel to the principal axis. Very simple. And your ray diagram is done. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, good. Now let us see different cases in case of concave mirror. तो ये था हमारा basic algorithm एक ray diagram बनाने का. Now let us see how we can do different cases where object is at some place and image will be formed at some place. So I have got three mirrors. So let us first mark the back side of the mirror, because for me these are concave mirrors. We are understanding the ray diagram of concave mirrors. So in this slide we will do three, and then another two we will do. Theek hai. So now I have got these things done, and now second job. Bolo kya karna tha? Principal axis banana hai. Okay. तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज रेडी. देन तीनों में बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस तीनों में बन गई. नाउ व्हाट डिड आई टेल यू, दैट वी हैव टू मार्क सी. सी सी आप लोग भी ऐसे ही करना, एक के नीचे एक बनाना. सो यू कैन बेसिकली कंपेयर द, एंड बिटवीन सी एंड दिस प्लेस आई सी दैट दिस इज द पॉइंट एफ एफ एग्जैक्टली इन बिटवीन. वेर इज अवर पी, दिस इज पी पी पी. तो ये स्टेज इज सेट. नाउ कीप द ऑब्जेक्ट, वील कीप थ्री, वील स्टडी थ्री डिफरेंट पोजिशंस. फर्स्ट वील कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जो हमने पहले में किया था. This is our object.
Now then we will keep it at C. So what we are doing, we are bringing the object closer to the mirror, fir or between C and F. और next slide में we will see at F and between F and P. ठीक है, तो we have three positions. देखो object को मैंने सामने लाया है धीरे धीरे. First case में था object was beyond C, second case में object is at C, third में it is between C and F. ठीक है, so now let me draw this diagram, ray diagram. देखो लाइट पैरेलल आई और फोकस से चली गई, दूसरी लाइट फोकस से आई और पैरेलल चली गई. ठीक है, तो अब इमेज कहां पे बन गया, यहां पर. ठीक है, अब यहां पे इसको भी हम भेजते हैं. ठीक है, ये आई फोकस से, ये फोकस से चली गई और ये आई फोकस से. हमारी इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में. सो ये लाइन बेसिकली थोड़ी लीडी करते हैं और मैं उल्टा बना देता हूँ. सो यहाँ पे कहीं है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, इमेज इज एग्जैक्टली फॉर्मिंग एट सी ओनली. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, लेट अस ऑल्सो सी दिस केस. यहां से भेज दिया मैंने, ये F से भेज दिया, F से भेज दिया और तो इमेज इस बार कहां हो गया, पीछे बन गया. नो आई अंडरस्टूड. सो केस वन, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ. समझ लो घर के बाहर है ऑब्जेक्ट, तो सी एंड एफ इज अवर हाउस, तो इमेज इज इनसाइड द हाउस. ऑब्जेक्ट हैज कम ऑन द बाउंड्री वॉल, सी पे आ गया, तो इमेज इज एग्जैक्टली ऑन द बाउंड्री वॉल. When object is inside, image बाहर चला गया. Simple to remember, right? As object is coming closer, image is going away. So, see, Simmons. Object was here, image was here. Object is coming closer, image. दोनों एक ही जगह पे कब होंगे? When object is at C, center of curvature, image is also at C, center of curvature. When object goes inside, image goes outside. ठीक है? Now second property. See the size of the image. In first case, the image is smaller, then it became little bigger, then it even became bigger in third case. So image as such it is going away from the mirror, it is also growing in size. ठीक है, तो याद रखना when object is beyond C, image is, और सारे में image is inverted and image is real, all three cases image is real, inverted in all the three cases. So यहां पे लिख देंगे object की property, लिखते हैं pink से. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी दिस इज ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ. नाउ राइट द इमेज प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी ग्रीन से लिखते हैं, राइट, इट इज बिटवीन सी एंड एफ at C and beyond C, right? यहां पे क्या है, small, right? Real, inverted. यहां पे at C, real, inverted, same size. यहां पर भी real, inverted and magnified. बड़ा हो गया ना. So I hope you are, इस वीडियो को बार बार rewind करके pause करके देखो. ठीक है, और सबसे इसके भी पहले ये वीडियो को कई बार देखो, where I have explained in length कि हम कैसे ray diagram बनाते हैं. Same algorithm हमने use किया है in making all these three diagrams. Clear? So keep watching the video, rewind, watch, see and practice this diagram. In my next case, we will see what happens when they are kept, object is kept at F. I have to choose a white line for principal axis, na? तो ये white line हमने बना ली भाई, और इसका भी white line हमने बना लिया. ये हमारी क्या है, principal axis.
So every time I will not be writing, but I will write definitely point P, P, and I will choose one place where I am going to write C, C, or iske tik beecho beech mein I will write F. This is also F. तो हमारा जॉब इज़ ओवर. और वो पीछे वाली मिरर का पीछे का एरिया बताना ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स आपको मालूम होना चाहिए कि दिस इज़ ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर. तो पीछे की तरफ बनाया है तो इसका मतलब दिस इज़ कॉनकेव मिरर. पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन मेक. तो इट डजंट मीन दैट वो मिरर चेंज हो जाएगा, कॉनकेव कॉनकेव ही होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई कीप द ऑब्जेक्ट एट एफ. एफ एफ पे रख दिया भाई मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर F के बीच में रखते हैं, F एंड P के बीच में. C प्रीवियस वीडियो में कहाँ था, बियॉन्ड C, फिर आया C पे, फिर ऑब्जेक्ट अंदर चला गया बिटवीन C एंड F, अब F पे आ जाएगा F, और फिर F और P के बीच में. सो ऑब्जेक्ट इज स्लोली कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, स्लोली कमिंग टुवर्ड्स द मिरर. सो लेट अस सेंड द लाइट. सो लाइट भेज दिया हमने F पे. अब यहाँ पे हमारा काम तो हो गया करीब करीब, एक सेकेंड, ये F से ही जाएगी, एट F पे रखिए तो F से ही जाएगी है, ठीक है. दूसरी लाइट C से चली जाएगी क्योंकि अब F से जा नहीं सकती ये वाली सेकेंड बीम. सो नाउ सी दिस लाइट इज गोइंग पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है. So where they are going to meet, they don't meet, actually they go to infinity. So whenever object is at focus, image is at infinity, right? और जो form होगा ही नहीं वो infinity पे चला जाएगा parallel beam, ठीक है. Now अब क्या होगा, let us bring the object further closer towards a mirror. Now this is called within the focal length, object is within the focal length, FP I told you it is focal length of the mirror. अब यहाँ पे total मामला ही बदल जाता है. देखो यहाँ पे we will see, we will send the light and we will send it through focus, ठीक है. Rule change नहीं होता, you have to send parallel light to the mirror and send it through the focus, पहला light. Second light, क्योंकि ये यहाँ पर है, second light अब मैं focus है तो भेज नहीं सकता, तो मैं इसको भेजूँगा C से. अब ध्यान से देखना, these two lights are actually diverging. अब ये मिलेगी ही नहीं, ये तो एटलीस्ट पैरल थी, ये तो बिल्कुल ऐसे फैल रही है. सो दे आर नॉट गोइंग टू मीट, तो वेयर डू वी दे मीट, दे विल मीट बिहाइंड द मिरर वर्चुअली. सो इसको हम क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड इट हियर पीछे की तरफ, और इस लाइन को भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है. एंड बिकॉज दे आर वर्चुअल, सो वॉट वी विल डू स्मार्टली डॉटेड लाइन, ठीक है. सो ये डॉटेड लाइन, दे आर मीटिंग समवेयर हियर. सो हियर with a dotted line I will draw the image. तो यहां पर देखो image is erect. सारे previous cases में image was inverted, all images देखो यहां पर inverted है, case 2 में inverted, case 1 inverted, case 2 inverted, case 3 inverted, case 4 ये भी inverted ही है, उल्टा है but infinity पर जा रहा है. case 5 यहां पर inverted नहीं है, image is straight and it is virtual क्योंकि image is erect. So it is a virtual image, it is forming behind the mirror. I hope it is clear. So ये कौन सा है, magnify हो रहा है, ये कहाँ use करते हैं, vanity mirror में जब हम देखते हैं अपना चेहरा थोड़ा बड़ा करके. I'd shown you जो हमारा Logitech वाला मैं दिखाया था, सी Logitech looks bigger. So this is the case, you are keeping object very close to mirror. तो इसमें आपको image सीधे ही दिखाई देगी, but image is virtual. Virtual we are seeing inside the mirror, तो virtual ही हुआ ना, and थोड़ा सा बड़ा, ठीक है. तो कॉनकेव मिरर के केसेस आपने समझ गए, आपको समझ में आया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मिरर विच इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा आसान है, उसमें सिर्फ एक ही डायग्राम है, ज़्यादा कुछ नहीं है. सो कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए भी मैं पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है. एंड मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कॉन्वेक्स मिरर बना दिया आपने, ठीक है. एंड यू ड्रॉ द मिरर के पीछे वाला, ठीक है. यहाँ पे वेर इज सी, सामने तो होगा नहीं बिकॉज इट इज़ कर्विंग लाइक दिस. सो आपका सी यहाँ पे कर लो और इसके टी को बीच बीच में फोकस रख लो, ठीक है. ये आपका स्ट्रेट लाइन है सर, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ वी विल कीप ऑब्जेक्ट समवेयर हियर, कहीं भी रख लो लेंस के सामने, लेंस बोल रहा हूँ सॉरी, मिरर के सामने,
दिस इज आवर मिरर ना, सो इट्स कॉन्वेक्स मिरर. तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर. इसमें देर आर नो 5-6 केसेस, इसमें एक ही केस होता है. एवरी टाइम इमेज विल बी फॉर्मिंग एट सेम प्लेस बिटवीन पी एन एफ, बिटवीन पी एन एफ, एंड इट विल बी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. बहुत सिंपल है, सो इजी टू रिमेंबर. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉन्वेक्स मिरर. सेंड द लाइट, लाइट के लिए वी आर यूजिंग येलो लाइन, सो लेट मी सेंड येलो लाइट. नाउ दिस मिरर, इसको फोकस से लेके जाना तो नहीं जा सकते, ये तो बेसिकली डाइवर्जिंग मिरर है. तो यहाँ पे बैकग्राउंड में हम इसको फोकस पे भेजेंगे, लेकिन वी विल मेक इट डॉटेड लाइन. ठीक है, ये हमारी डॉटेड लाइन है. ओके, सो डाइवर्जिंग मिरर है, सो दिस विल डाइवर्ज एंड लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, लेकिन आती नहीं है. सो उसको बैक साइड फोकस पे आप खींचिए. नेक्स्ट व्हाट यू शुड डू, टेक ए लाइन डायरेक्टली सेंडिंग थ्रू सी. क्या हो गया, ये लाइन स्ट्रेट नहीं बनी है ना, सो वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. इट्स अब दूसरी लाइन सी से भेज दो आप लोग. ठीक है, ये सी था ना हमारा, दिस वॉज सी, इजंट इट सी. सो एज इट इज गोइंग इनसाइड द मिरर, इसको आप डॉटेड लाइन बना दीजिए. एंड यू शुड मार्क द एरोस, दिस विल गो इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सो इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड हियर बिकॉज मिरर के अंदर है, सो इमेज इज वर्चुअल हियर. दिस इज ए वर्चुअल इमेज. अब ये वर्चुअल इमेज एंड ये वर्चुअल इमेज के बीच में क्या चीज देखे, दोनों वर्चुअल इमेज स्ट्रेट है. ठीक है, तो एक हमें बहुत अच्छा सा पॉइंट मिल गया जस्ट नाउ. सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज स्ट्रेट, या फिर कुछ लोग बोलते हैं इरेक्ट. ठीक है, ये याद रखना. एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, दूसरा रूल. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. चेक कर ले, देखो ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, ये भी रियल इमेज है, ये भी इन्वर्टेड है, ये भी रियल इमेज है, ये भी इन्वर्टेड है. ठीक है, यहां पे इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म करेगी, हमको पता नहीं, बट इन्वर्टेड है. यहां पे ये वर्चुअल इमेज है, इसीलिए इमेज स्ट्रेट है. ठीक है, कॉन्वेक्स इमेज, इमेज वर्चुअल है, इसलिए इमेज स्ट्रेट है. तो वर्चुअल इमेजेस आर स्ट्रेट, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. बट रियल इमेजेस का साइज चेंज होता है, वर्चुअल इमेज का साइज भी चेंज होता है. कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बड़ा आता है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज छोटा आता है. ठीक है, देख लो, कॉनकेव में इमेज इज बिगर, वेयर इज कॉन्वेक्स में इट इज वर्चुअल इमेज इज स्मॉलर. ठीक है, सो आई विल पॉज द सेशन, और इनफैक्ट आई विल एंड द सेशन हियर ऑन रिफ्लेक्शन, वेयर वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. और आगे वाले सेशन में वॉट आई विल डू इज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम न्यूमरिकल्स ऑन दिस, एंड अलॉन्ग विद दैट न्यूमरिकल वीडियो आई विल ऑल्सो अपलोड अ स्मॉल वीडियो वेयर आई विल एक्चुअली शो यू लाइव एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे अभी मैं अंधेरा नहीं कर सकता, सो आई कांट शो यू इमेजेस, रियल इमेजेस बींग फॉर्म्ड. मैं कैंडल रखूंगा, मिरर रखूंगा, आई विल शो यू द इमेज, रियल इमेजेस फॉर्म्ड. आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो, एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो अलग से. एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी न्यूमरिकल्स ऑन दिस, एंड सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीडियोज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल. ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.